हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रसम बनाने वाले हैं। रसम ज़्यादातर केरला में चावल के साथ यूज़ करते हैं। तो रसम बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है गार्लिक और छोटे छोटे प्याज जो हम मिक्सी में ऐड करेंगे। तो चलिए, देख सकते हो आप लोग, हमने गार्लिक और जो छोटे छोटे प्याज थे अच्छे से वॉश कर लिए हैं और मिक्सी में ऐड कर रहे हैं। तो चलिए, हमने ऐड कर लिया है। और सबसे पहले हम इसमें मसाले में हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे 1 स्पून। देन उसके बाद धनिया पाउडर 1 स्पून। देन उसके बाद मिर्च पाउडर 1 स्पून। 1 स्पून से भी कम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम लोग इसमें काली मिर्च भी ऐड करने वाले हैं। काली मिर्च का ही टेस्ट इसमें बहुत बढ़िया लगता है। तो मुट्ठी भर हम काली मिर्च ऐड करेंगे या 2 टेबलस्पून आप काली मिर्च ऐड कर सकते हो। काली मिर्च का ही टेस्ट इसमें बहुत सही है। फिर चिली पाउडर कम ही यूज़ करना। तो चलिए, इसमें हम अब डालेंगे हींग। 1/2 टीस्पून हींग यूज़ करना है। हींग का ही टेस्ट इसमें, हींग और काली मिर्च का टेस्ट इसमें सबसे बढ़िया लगता है हमें। तो थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से पानी यूज़ कीजिएगा ग्राइंड करने के लिए। तो चलिए, हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। मैं थोड़े से इमली पानी में डाल रखे थे घुलने के लिए। और चलिए, हम तड़का लगाने के लिए थोड़े से प्याज हमने स्लाइस करके लिए हैं, 2 करी लीव्स, देन हरी मिर्च। मैंने हरी मिर्च लिया है, आप चाहे तो खड़ी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। देन 2 टमाटर हमने वॉश कर लिए और इसे स्लाइस कर लेना है हमें। देन देख सकते हो, हमने मिट्टी का पैन गैस में रख दिया है, गर्म हो चुका है। देन इसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। देन ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें राई ऐड कर देंगे। तो देखिए, राई हमने ऐड कर लिया है। देन थोड़ा सा जीरा। उसके बाद हम इसमें स्लाइस किए हुए प्याज ऐड करेंगे सबसे पहले। तो देख सकते हो, हमने प्याज ऐड कर लिया। देन उसके बाद मिर्च ऐड करेंगे हम। आप चाहे तो खड़े मिर्च भी यूज़ कर सकते हो। देन करी लीव्स, और इसे अच्छी तरीके से हमें भून लेना है ब्राउन होने तक। तो देखिए, ब्राउन होने आ रहा है। तो देखिए, हमने टमाटर स्लाइस कर लिए, चुके हैं। अब इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं। इसलिए टमाटर ऐड कर लिया हमने और इसे अच्छे तरीके से कुक करना है ताकि जो खट्टापन है टमाटर का अच्छे तरीके से निकले। इसके लिए हमें 5 to 10 मिनट्स के लिए ढक के रखना है, तब जाकर टमाटर बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। देखिए, हमने ढक लिया है। तो देख सकते हो, हमारा टमाटर पक चुका है। अच्छे तरीके से हम उसे मिक्स करेंगे। वाव, ये रेडी है। तो हम इसमें मसाला ऐड कर सकते हैं जो ग्राइंड किया था हमने। तो मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए, मसाला ऐड कर देते हैं हम लोग।
कर लिया है। अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जैसे ही मसाला हम ऐड करते हैं, बहुत ही सही खुशबू आती है ग्राइंड किया हुआ मसाले का। जरूर आप सभी लोग ट्राई करके देखना, बहुत ही सही है। देन जो मिक्सी के जार में थोड़ा बहुत मसाला था उसको हमने पानी में मिक्स करके इसमें हमने ऐड कर लिया है, तो देख सकते हो। देन उसके बाद जो इमली को हमने अच्छी तरीके से निचोड़ लिया था छन्नी में, निचोड़ के हमने उसका पानी निकाल लिया है, देख सकते हो। इस तरीके से रहेगा आपको 2 या 3 टाइम थोड़ा सा पानी उसको अच्छी तरीके से निचोड़ के निकाल लेना, देन वो पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड कर लिया हमने, देन अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। देन टेस्ट के हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही यूज़ करना क्योंकि हम रसम में टमाटर और जो इमली ऐड किए उसकी वजह से ये जो रसम है खट्टापन ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो नमक का टेस्ट जो है अच्छी तरीके से हमें लगना चाहिए, तभी जो चावल में हम रसम यूज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए बॉईल होने तक हमें वेट करना है, तो देख सकते हो आप लोग हमारा जो रसम है बॉईल हो रहा है। जैसे ही बॉईल हो जाए हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए हमारा रसम रेडी है, तो हम एक बाउल में सर्व कर लेंगे। तो ये रहा हमारा डिलीशियस रसम, तो ज़रूर आप सभी लोग ट्राई करके देखना और कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।